सो वेल गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वाधार योजना के बारे में, जिसे बहुत सारे लोगों ने, हालांकि मैंने दो बार इसके अपडेट दी थी कि स्वाधार योजना जो होती है उसकी डेट क्या थी क्या है, लेकिन अब आप एप्लीकेशन कर सकते हो अपने डिवीजन में। जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन रह गया था लास्ट डेट की वजह से, अब आप 31 मार्च 2022 तक अपना जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल्स पहले जान लीजिए तभी आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या क्या लगने वाला है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले। बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्वाधार योजना के लिए कैसे एप्लीकेशन करना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लाना पड़ता है, फॉर्म कहाँ सबमिट करना पड़ता है, पूरा डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। पूरा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आपको वो वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया था, ठीक है। आपको क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और अभी तक आपने स्वाधार योजना का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप अपने समाज कल्याण ऑफिस जो होता है वहाँ पे विजिट कीजिए, उसके बाद वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल चुका हूँ, वहाँ पे मैंने PDF डेमो डाला है कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रॉपर जो होते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर कुछ स्टूडेंट ने कुछ गलतियाँ की थी तो गलतियों के करेक्शन कैसे करें वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया दिया था, कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस किया हो तो आप आप वहाँ पे जाके दे सकते हो, और आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है जो आपने फॉर्म लिया था उस फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, आप मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स अगर छूट गया हो तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो या जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि 31 मार्च के बाद डेट एक्सटेंड होने वाली है क्या, तो नहीं, 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपको 30 मार्च तक ही, ठीक है, ध्यान से सुनिए बात, 30 मार्च तक ही अपने एप्लीकेशन जो है आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल करके पूछते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि स्वाधार योजना की डेट बढ़ने वाली है क्या, मैंने एप्लीकेशन नहीं किया, तो अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 3 बार बढ़ चुकी है और चौथी बार बढ़ने के चांसेस जो है, हालांकि यहाँ पे चांसेस तो एक भी नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन थे कुछ स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन किया, उनके ट्वीट जो होते सामाजिक न्याय विशेष साहिबा को बहुत सारे ट्वीट करके भी उन्होंने डेट बढ़ाए, तो अभी तक आपका लास्ट चांस है। इसके बाद जो स्वाधार योजना की डेट है आपकी नई बढ़ने वाले, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्रॉपर डालना है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जोड़ने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट पहले से ही डाल दूंगा, या आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी बताया। उसके बाद अगर आप रेंट पर रहते हो तो रेंट का कैसे फॉर्मेट बनाएं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। अगर आप हॉस्टल पर एप्लीकेशन डाल दिया है लेकिन आपका नंबर नहीं लगा तो उसके बाद भी वहाँ पे वो देना पड़ता है शपथ पत्र, वो भी मैंने वो पिछले वीडियो में बता दिया था, वो वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको लास्ट डेट और एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी सबमिट करना यही बताने वाला था। लेकिन अगर आपने अभी तक इसके बाद जो डेट होंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद जो डेट है वो बढ़ेंगी, 31 मार्च तक आपकी जो डेट है वो सबमिट की जाएंगी। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि इसकी जो अपने फंड होता है कब तक आता है, पैसे कब तक आते हैं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा। तो पैसे आने तक का टाइम आपको यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं होता कि इसी टाइम तक या इसी मंथ में आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वक्त लगता है कुछ फंड रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोसेस अलग अलग डिवीजन की अलग अलग होती है। मान के चलो नागपुर डिवीजन में आपने फॉर्म भरा लेकिन पुणे डिवीजन का फंड पहले आएगा, तो पुणे डिवीजन का जो होता है वो पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद नागपुर में आता है, उसके बाद नागपुर, तो कुछ प्रोसेस होता है इसका। तो प्रोसेस मतलब आपने आज एप्लीकेशन किया तो कुछ महीने बाद आपको यहाँ पे फंड मिलता है, लेकिन जरूर इसका फंड मिलता है। कुछ लोगों ने लिस्ट के बारे में पूछा कि इसकी लिस्ट लगती है, जिन लोगों का फॉर्म अप्रूव हो चुका उसकी भी लिस्ट लगती है क्या, तो नहीं, यहाँ पे जो लिस्ट नहीं लगती, लेकिन अगर कुछ रिकॉलिंग वगैरह आपके होती है, कुछ मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं, अदरवाइज आपको खुद वहाँ पे विजिट करके पूछना पड़ता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है प्लीज़ चेक एंड मेरा एप्लीकेशन जो होता है बराबर है क्या, एक बार चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वहाँ पे बताना पड़ता है। तो यही थी अपडेट, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था और इसी के माध्यम से मैंने आपको 31 मार्च 2022 तक आप अपने नियर के जहाँ पे आप सबमिट करना चाहते हो वहाँ पे आपको यहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ से फॉर्म लाके एप्लीकेशन करके वहाँ पे सबमिट करना होगा,
ठीक है, 31 मार्च 2022 के पहले आपको एप्लीकेशन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता और उनकी वजह से उसकी स्कॉलरशिप जो होती है मिस हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और जल्दी से जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे अपडेट में देता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के फिलहाल इतना ही, जय हिंद।